गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज का विचार है, जीवन की केवल वहीं तक सीमाएं हैं जिन्हें आप खुद तय करते हैं। आपके जीवन की जो टारगेट हैं, जो लक्ष्य हैं, वो वहीं तक हैं जहाँ तक आप तय करेंगे। अगर आपने जो बनने की सोचा है वही बनेंगे, अगर आपने छोटा सोचा है तो आप छोटा करेंगे, आपने बिजनेस का सोचा है बिजनेस करेंगे, जॉब का सोचा है जॉब करेंगे। आपने जहाँ तक अपनी सीमाएँ तय की, जहाँ तक आपने सोचा है, वहीं तक आपकी जीवन की सीमाएँ तय हो जाएंगी। एक चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। प्रॉफिट होता है कोई वस्तु हमने 25 रुपये में खरीदी और 30 रुपये में बेच दी तो उस पर होगा प्रॉफिट। कोई वस्तु हमने 30 रुपये में खरीदी और 25 में बेच दी तो उस पर होगा लॉस। यानी अगर ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, कम में बेचते हैं तो हानि होती है। इसी पर यह चैप्टर आधारित है, लाभ और हानि पर, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये सब इसमें निकाला जाता है। तो इसमें एक होता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, इसमें खरीदा हुआ जाता है। एक होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, इसमें बेचा जाता है। पी प्रॉफिट होता है, एल लॉस होगा इसमें। उसी तरह इसके लैंग्वेज कोई फायदा नहीं है, बाकी जो क्वेश्चन आते जाएंगे उनको हम करते जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौने खरीदे को 30 रुपये में बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ, कितने रुपये का लाभ हुआ और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम वैसे वैसे उनको करते जाएंगे, तो ये आसानी से हमारी समझ में आता जाएगा। देखिए ये कह रहा है, एक व्यक्ति 25 रुपये में खिलौने खरीद कर 30 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने रुपए का तथा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ हुआ। देखिए सीपी, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कह रहा है जिसने, कॉस्ट प्राइस वो होता है, यानी सीपी बराबर होता है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। वो कह रहा है कितने रुपए में खरीदा हुआ पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी पी लिखेंगे 25 रुपये में, 25 रुपये में खरीदा। उसके बाद है एस पी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 30 रुपये। ये 25 रुपये में खरीदा, 30 रुपये में बेचा, तो जब कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा है तो उसको हो गया प्रॉफिट, पी यानी लाभ। लाभ होगा, लाभ का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। अगर यहाँ पर होता लॉस तो सी पी में से एस पी घटेंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे। तो देखिए उसने 30 रुपये में खरीदा बेचा था, 25 रुपये में बेचा है तो उसको 5 रुपये का हो गया, 5 रुपये का लाभ। ये उसने पूछा है पहले उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, तो उसे 5 रुपये का लाभ हुआ, ये 25 में खरीदा 30 में बेचा, 5 रुपये का लाभ हुआ। अब नेक्स्ट उसके बाद कह रहा है कितने प्रतिशत का, वे 5 ये कितना प्रतिशत है। तो जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम, प्रॉफिट परसेंट होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और जब लॉस परसेंट निकालेंगे हम तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी हमेशा ये क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। या प्रॉफिट निकाले या लॉस निकाले, जो हम परसेंट निकाले हमको निकालना है प्रतिशत का लाभ, कितने प्रतिशत का लाभ, प्रतिशत लाभ निकालना है। जब पी परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट है हमारे पास 5 रुपये, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 25 रुपये इंटू में 100, यानी जो फॉर्मूला है उसमें हमने रख दिया, तो इसमें हमने रख दिया 5 से कटेगा 25 पाँच बार, यानी 5 से इसमें 25 में दिया तो 5 बार गया, तो यानी 100/5, 5 से इसमें दे दिया तो ये आएगा 20%, उसे 20% का लाभ हुआ, लाभ परसेंट या प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है 20%। और लाभ का अगर संख्या पूछी जाएगी तो 5 रुपये। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 25 रुपये में कलम खरीद कर 20 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। जब हमें प्रतिशत हानि निकालना हो, प्रतिशत लाभ निकालना हो, तो पहले उसे कितने रुपए की हानि हुई, कितने रुपए का लाभ हुआ ये निकालते हैं, उसके बाद ही प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालते हैं। तो ये कह रहा है 25 रुपये में कलम खरीदी, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 25 रुपये, उसका सेलिंग प्राइस हो गया जो उसने बेची वो 20 रुपये। राम ने वो कलम 25 रुपये में खरीदी, 20 रुपये में बेची,
तो ये ज्यादा में खरीद रहा है, कम में बेच रहा है, तो इस पर होगा हानि यानी लॉस होगा। तो लॉस निकालेंगे तो 25 माइनस 20 यानी इस तरह से आया 25 माइनस 20। देखिए जो लॉस निकालते हैं तो सीपी माइनस एसपी यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो 25 माइनस 20 ये हो गया यहाँ पर 5 रुपये, यानी उसे 5 रुपये की हानि हुई, 5 रुपये की उसको हानि हुई। अब देखिए उसके बाद पूछा गया इसमें उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो एल परसेंट यानी लॉस परसेंट। जब हम लॉस परसेंट निकालेंगे तो एल अपॉन सीपी इंटू 100 यानी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखिए लॉस है हमारे पास 5 रुपये का, यानी हमको 5 रुपये की हुई है हानि। अपॉन में क्या है कॉस्ट प्राइस, हमेशा अपॉन में कॉस्ट प्राइस रखते हैं, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 25, हमेशा नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जो किस जिस पर खरीदा है हमको हमने उसी को हमेशा नीचे रखते हैं, बाकी को ऊपर रखते हैं। इनटू में 100, 2500 कटेगा 4 बार, 5 × 4 बराबर 20% की हानि हुई, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी राम ने 25 रुपये में कलम खरीद कर 20 रुपये में बेच दी तो उसे 25% की हानि हुई, 5 रुपये की हानि हुई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा के हिसाब से बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ये जो क्वेश्चन हमने जो किए थे उनसे आगे लेवल, हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे और हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो तो आसान क्वेश्चन थे, वो बेस था क्वेश्चन का समझने के लिए थे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड होते चले जाएंगे। तो आपको लैंग्वेज समझना है, फॉर्मूला समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं रहेगा। अब देखिए जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो इसमें ज़्यादातर बुकों में लिखा होता है और कई तरीके दिए होते हैं, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, इंटू 10 × 11 पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना है। हमको एक आसान तरीका होता है जिससे ना कोई कंफ्यूजन होता है ना कोई दिक्कत होती है, उस तरीके से करना है। वो तरीका देखिए, पहले निकालेंगे सीपी, जो सीपी है 10 रुपये में 11 संतरा खरीदता है, यानी 10 रुपये में 11 संतरा, 11 संतरा किसने कितने में खरीदे उसने 10 रुपये में। उसके बाद कह रहा है 11 रुपये में 10 संतरा के हिसाब से बेच देता है, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस यानी 10 संतरा। तो क्या हिसाब से बेचे उसने 11 रुपये, 10 संतरा उसने 11 रुपये में बेच दिए, ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। देखिए इसमें मैंने इसे उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, इसमें हम सीधा सीधा ये भी नहीं निकाल सकते उसे लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ या हानि निकालेंगे पहले, उसके बाद प्रतिशत लाभ या हानि निकलता है। तो पहले कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुई वो निकालते हैं। इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, 11 में 10, 10 में 11, 11 में 10, इसमें कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका जो हम बता रहे हैं वो देखिए आप। देखिए यहाँ पर 11 संतरे हैं, यहाँ पर 10 संतरे हैं, तो हम वस्तुओं की संख्या करेंगे समान, जब वस्तुओं की संख्या समान करेंगे तो यहाँ पर नीचे 10 दिया हुआ है ऊपर 11 दिया है, तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और नीचे वाले मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो फिर हमारा नया कॉस्ट प्राइस जो आएगा नया सीपी वो होगा 10 × 11 110, 10 × 10 ये हो गया 100 रुपये, यानी ये तो हो गए संतरा, 110 संतरा 100 रुपये में उसने खरीदे। उसके बाद क्या है सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम, तो सेलिंग प्राइस में करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर 11 था ये नीचे 10 था, यहाँ पे संतरे समान करने हैं हमको, तो 11 × 10 हो जाएगा 110 संतरा। उसके बाद आएगा यहाँ पर 111 121 रुपये, यानी 110 संतरा 100 रुपये में खरीदे, 110 संतरा 121 रुपये में। अब यहाँ पर हमारी वस्तुएं समान हो गई, 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, 11 से मल्टीप्लाई के लिए किया, अब वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमको 10 और 11 से समान करने थे, तो उसको इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो संख्याएँ हो जाएंगी समान, वस्तुओं की संख्या हो जाएगी समान। तो ये कह रहा है 110 संतरे 100 रुपये में खरीदे,
ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो देखिए इतने में बेच रहा है तो उसको क्या हुआ, यानी जिस कम में खरीद रहा है ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा 121 माइनस 100 बराबर 21 रुपये का हो गया उसको प्रॉफिट, 21 रुपये का हो गया उसको लाभ। अब ये कह रहा है लाभ उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो हम परसेंट डालेंगे हम, यानी प्रॉफिट का परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो पी परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट है हमारा 21 रुपये, कॉस्ट प्राइस है हमारा 100 रुपये इंटू में 100, 100 से 100 खत्म, तो यहाँ पर बचा 21%। ये हो गया लाभ प्रतिशत, जो लाभ प्रतिशत होगा वो होगा 21%। यानी उसे कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे के हिसाब से बेचता है तो उसे 21% का लाभ होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 9 रुपये में 8 कलम खरीदकर 8 रुपये में 9 कलम के हिसाब से बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। यानी किसी व्यक्ति ने, पहले यहाँ पर निकालेंगे सी पी, फिर यहाँ पर निकालते हैं हम, लिखते हैं एस पी, यहाँ पर सी पी लिख लेते हैं, यहाँ पर एस पी लिख लेते हैं। तो उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस है 8 कलम, कितने रुपये में खरीदी उसने, 9 रुपये में। उसके बाद कह रहा है 9 कलम 8 रुपये में बेचती, तो 9 कलम 8 रुपये में बेचती, 9 कलम 8 रुपये के हिसाब से बेच दी। अब जो क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में किया था, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वही इसमें करेंगे। वस्तुओं की संख्या समान, जो वस्तुओं की संख्या समान करते हैं तो नीचे 9 है, इस 9 वाले का गुणा ऊपर वाले में कर देंगे, ऊपर वाले का नीचे वाले में, तो 9 का इसमें 8 में, 8 का 9 में, यह 9 यहाँ पर हो जाएगा 8। तो नया जो कॉस्ट प्राइस बनेगा हमारा और सेलिंग प्राइस बनेगा वो होगा इस प्रकार से, 9 गुणा 9 9 गुणा 8 ही हो गया 72 कलम। 72 कलम उसने 9 81 रुपये में खरीदी, 72 कलम उसने 81 रुपये में खरीदी। उसके बाद 72 कलम यहाँ पर आएगा, ₹64 में बेची। यानी अब ये सी पी और एस पी से खत्म हमारा, अब हमने नया कॉस्ट प्राइस निकाला है, सेलिंग प्राइस निकाला है। तो देखिए 72 कलम उसने 81 रुपये में खरीदी, 72 कलम उसने 64 रुपये में बेच दी, यानी ज़्यादा में खरीद रहा है कम में बेच रहा है, तो उसको हो जाएगा लॉस। और जो लॉस होगा उसका वो होगा 81 माइनस 64, यानी ये होगी उसकी हानि, हानि या लॉस, ठीक है। तो 81 माइनस 64, तो ये हो जाएगा 17 रुपये, उसको 17 रुपये की हुई हानि जब उसने 81 रुपये में खरीद कर 64 रुपये में बेच दी। अब ये कह रहा है लाभ या प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, तो लॉस परसेंट होता है या हानि प्रतिशत, या हानि परसेंट, उसकी वैल्यू होगी जो ऊपर जो हानि आई है वो रखेंगे हम लॉस अपन में फर्स्ट प्राइस इंटू में 100, यानी कि हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे में 100। ये इस प्रकार होता है फॉर्मूला, लॉस अपॉन फर्स्ट प्राइस इंटू 100। तो देखिए जब 8% निकालेंगे हम तो लॉस हो रहा है इसमें 17 रुपये का, और इसका कॉस्ट प्राइस है इसका 81 रुपये है। जब हमने ये नया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाला तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है कितना कॉस्ट प्राइस था, अब हम इसी पर पूरा काम करेंगे, इसी पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 17 बटे 81 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 1700 बटे 81 से भाग देंगे तो ये जाएगा 20.9%। ये होगा इसका आंसर, यानी 20.9% की हानि हुई, ठीक है। उसका जो लॉस परसेंट होगा वो 20.9% होगा, यही इसका आंसर होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण 16 रुपए में 900 रुपए खरीदकर 20 रुपए में 11 की वापसी बेच देता है, उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? जो पिछले क्वेश्चन कर रही हूँ उसी की तरह से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पैसा एक बार लिखेंगे, फिर नया क्वेश्चन पैसा एक बार निकालेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। कई क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कई बुकों में कि अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, इस तरह से करते हैं वो, उनको कोई तरीके का फॉर्मूला बताते हैं, उस तरह के फॉर्मूला होते हैं, इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन करना है, इस फॉर्मूले से इस तरह के क्वेश्चन करना है। ना कोई फॉर्मूला फालतू लगाएंगे, ना कोई तरीका लगाएंगे फालतू ट्रिक लगाएंगे, बस एक नॉर्मल तरीका होता है उससे करेंगे। तो देखिए सीपी है, पहले हमारा कॉस्ट प्राइस है 9 संतरा खरीदी उसने 16 रुपए में, सेलिंग प्राइस है उसका 11 रुपए में, 20 रुपए में 11, यानी 11 संतरा 20 रुपए में, यानी 9 संतरा 16 रुपए में खरीदे, 11 संतरा 20 रुपए में बेचे, तो उससे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? अब इसमें तो हम कोई लाभ या हानि निकाल नहीं सकते, तो हमको क्या करना है, वस्तु समान करनी है। जब वस्तु समान करेंगे तो इसमें करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 11×9 99 संतरा 99 ऑरेंज, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11×16 176 रुपये, यानी 199 संतरा उसने 176 रुपये में खरीदे। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो 9×11 99 संतरा और 20×9 180 रुपये। अब देखिए उसके कॉस्ट प्राइस है, उसने खरीदे 176 रुपये में पर 180 में बेचे, यानी कुछ बढ़ा के नीचे, तो उसका हो गया ये लाभ। उससे कम में खरीदा ज़्यादा में बेच रहा है तो उसका होगा लाभ यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ उसको, 176 में खरीदे 180 में बेचे, तो 180 - 176 = 4 रुपये का हो गया उसको लाभ, 4 रुपये का लाभ हो गया। अब आगे क्या करते हैं हम, कि हमको पूछा गया कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो जो फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट है हमारा 4 रुपये का इंटू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है हमारा 176 ही है, तो सेलिंग प्राइस है हमारा कॉस्ट प्राइस, तो 176 इंटू में 100, यानी 4/176 × 100, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, हमको इस क्रय मूल्य पूछा जाता है ये, विक्रय मूल्य ये और प्रॉफिट ये, प्रॉफिट परसेंट यहाँ से निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से काटेंगे इसको, भाग देंगे तो ये आएगा 4 4, यानी 100/44, तो 4 से काटेंगे 11 बार और ये 25 बार, यानी 25/11 = 2/3/11% लाभ, ये होगा इसका आंसर। यानी उस व्यक्ति को 16 रुपये में 9 संतरा खरीद कर 20 रुपये में 11 की वापसी बेचने पर 2/3/11% का लाभ होगा। देखिए किसी व्यक्ति ने 250 रुपये में साइकिल खरीदी, उसे वह कितने रुपये में बेचेगी 10% का लाभ हो, यानी इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, कितने परसेंट का लाभ हो तो कितने रुपये में बेचेगा। तो देखिए इसमें दिया है कॉस्ट प्राइस, यानी किसी व्यक्ति ने साइकिल खरीदी 250 रुपये में, ये जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उससे अलग, अब हम दूसरा टाइप चेंज करते हैं। तो मैं टाइप चेंज किया तो सी पी एस में 250 रुपये इसमें खरीदी उसने, और प्रॉफिट परसेंट दिया है इसमें 10%, और इसमें पूछा गया है हमसे सेलिंग प्राइस कितने रुपए में बेचे। क्योंकि जब सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो बुक्स में एक फॉर्मूला लिखा होता है, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है सी पी ऑन में 100 इंटू में यहाँ पर 100+P%, अगर यहाँ पर हानि होती है तो एस पी बराबर होगा सी पी अपॉन में 100
तो 100 माइनस 10%, इस तरह से होता है फॉर्मूला। यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको जोड़ के उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 जोड़ के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस हो रहा है तो 100 में से घटा के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। और बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं हम इसको। देखिए अब हमको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 250, ये कह रहा है 10% प्रॉफिट करना है। तो पहले सीपी जो होगा वो होगा 100%, लेकिन 10% उसको प्रॉफिट हो गया तो एसपी हो जाएगा 110%। सीधा सीधा फॉर्मूला बिना फॉर्मूला यूज किए, जो फॉर्मूला में होता है वही फॉर्मूला यहीं से बनता है, फॉर्मूले से ये क्वेश्चन होते हैं, एक ही बात है दोनों का। तो 250 रुपये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, अकाउंट में 100, इससे निकलेगी यानी सीपी हमेशा 100% होता है, तो 250/100। लेकिन सेलिंग प्राइस में क्या कह रहा है, 10% बढ़ा के बेचा, 10% लाभ पर बेचा, तो (110) ये 20 से ये 20 25×11 ये हो जाएगा 275 रुपये, ये है इसका आंसर। यानी कोई व्यक्ति 275 रुपये में बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा 250 में खरीद कर। देखिए कोई व्यक्ति 560 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, उससे वे कितने में बेचे कि उसको 10% की हानि हो। तो देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया है 560 रुपये, यानी किसी व्यक्ति ने 560 रुपये में एक साइकिल खरीदी, उसके बाद उसको लॉस परसेंट दिया है 10%, और सेलिंग प्राइस उनसे पूछा गया है कि उसकी जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। तो देखिए इसका सीधा सीधा तरीका निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है, सी पी यूज कर सकते हैं हम इसको, सी पी अपन 100 × 100 - 10%, 100 - 10% प्रॉफिट होता है, 10% का लाभ हुआ तो 100 + 3%। तो देखिए या फिर नॉर्मल तरीके से, तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस उसका 560/100, यानी ये है इसका सी पी जो होता है वो होता है 100% इंटू में। तो देखिए उसको 10% की क्या हुई है हानि, 10% की हानि हुई है तो 100 - 10 ये होगा एस पी सेलिंग प्राइस, यानी 100 - 10 यानी सी पी माइनस सी पी परसेंट माइनस एल परसेंट, इस तरह से तो ये हो गया 90, तो इंटू में होगा 90, ये 0 से 0 9 56×9 तो ये हो जाएगा 504 रुपये में बेचे, ठीक है 504 रुपये में बेचे तो उसे 10% की हानि होगी 560 में खरीदे, यानी एक व्यक्ति 560 रुपये में साइकिल खरीदकर उसे 504 रुपये में बेचे तो उसे 10% की हानि होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, ये इसका 504 आंसर हो जाएगा। देखिए यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर एक व्यापारी 20% का मुनाफा कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। देखिए उस पहले क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उन्हें पूछा गया था विक्रय मूल्य बताएं, इसमें पूछा गया है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। जब हमको कॉस्ट प्राइस निकालना हो इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो इसमें करते हैं सेलिंग प्राइस ऊपर अपॉन में 100 + p% इनटू में 100, या फिर दूसरा होता है सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 - 10% इनटू 100, ये होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो 100 + p%, और लॉस हो रहा हो तो 100 - 10%। तो देखिए इसी को मेथड ले जाते हैं सबको, यानी हमको केवल निकालना है हमको सेलिंग प्राइस। तो देखिए इसको ले जाएंगे सबको इधर, तो सी पी इनटू में 100 - 8%, यानी ये नीचे थे यहाँ से ऊपर आ गया अपॉन में, ये 100 ऊपर था तो यहाँ पर ये नीचे आ गया, तो इधर बचा केवल सेलिंग प्राइस, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस का हो गया ये फॉर्मूला। उसके बाद देखिए जब इसको इधर ले जाएंगे तो सी पी इनटू में 100 + p%, 100 + p%,
क्योंकि ये नीचे है और 100 ऊपर है, तो वो नीचे ऊपर गया तो वो नीचे आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, इनटू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। इस प्रकार से ये सेलिंग प्राइस के हो गए दोनों फॉर्मूला, ये कॉस्ट प्राइस के हो गए, है एक फॉर्मूला जो कि उसी में से सारे बन जाते हैं। इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, सी पी बराबर एस पी अपॉन 100 प्लस माइनस पी परसेंट ऑब्लिक एल परसेंट इंटू में 100, ऐसी से सारे प्रूफ दे रहे, प्लस हो रहा है तो पी परसेंट, माइनस हो रहा है तो एल परसेंट, इससे भी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर एक व्यापारी 20% का मुनाफा कमाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, यानी सेलिंग प्राइस दिया है उसने 390 रुपये और उसका प्रॉफिट परसेंट है 20%, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, यानी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है, सेलिंग प्राइस दिया है 390 रुपये, प्रॉफिट दिया है 20% और कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा गया है। जब हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो ऊपर रखेंगे हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस होगा 390 अपॉन में कितने परसेंट का लाभ हुआ उसको 20% का, यानी तो 100, तो पी निकालेंगे यानी सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सी पी यानी 100% प्लस 20%, तो ये हो जाएगा 120%, यानी यहाँ पर लिखा हुआ 100 प्लस 3%, तो ये 120 और इनटू में 100, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं आप और इससे फॉर्मूले से लिख सकते हैं, तो 390 हो गया इसका सेलिंग प्राइस, 100 प्लस 3% 120 इनटू में 100, तो ये हो जीरो से ये जीरो का, तो यहाँ पर बचा इस दो से काटेंगे, ये चार से काटते हैं, ये कटा चार से 3 बार और ये कटा 4 से 25 बार, 3 से कटेगा ये 13 बार, यानी 13 × 25 325 रुपये, यानी यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचकर एक व्यापारी 20% का लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा 325 रुपये, यानी कोई व्यापारी 325 रुपये में एक वस्तु खरीदकर 20% लाभ पर 390 रुपये में इसको बेच देता है, ये इसका आंसर होगा।